सिद्धार्थ जी का प्रश्न था उस पे। और सिद्धार्थ जी आप हैं? हाँ सर मैं हूँ। प्लीज सर नमस्कार। सर रेल जो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था वो कोरोना की जो दूसरी लहर हुई उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो ये क्या स्टेटस है, कब तक इसको यानी पूरा कर लिया जाएगा? और एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एक और है, जो एलएलपी और टेक्निकल कैटेगरी की जो भर्ती चल रही थी जिसमें ट्रेनिंग होनी है तमाम चीजें हैं, तो उसका क्या स्टेटस, क्योंकि अभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तमाम लोग परेशान है। जी सिद्धार्थ आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट है और एक लाजमी सवाल आपने पूछा है। एज फार एज रेलवे में हम अगर आप देखा जाए तो हमारे पास से जो हम लोगों ने अपने पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी इसमें कुछ एरियाज में कुछ हमारे जो सेंट्रल एडवर्टाइजमेंट्स निकले थे उसके हिसाब से हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप डी की भर्ती की थी। एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड सीरियस इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आपका जो है सो रेलवे DFCCIL का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा टेस्ट सीरीज आप प्रमोट करो, लेकिन मैं किसी का टेस्ट सीरीज प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं खुद का टेस्ट सीरीज आप लोगों को देता हूँ। और इसका रीज़न ये है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा ना तो उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे या ऐप पे दे दूंगा। ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो भी है आपका ऑपरेशंस एंड बीडी का उस पे बेस्ड है, और इसमें आपका 100+ सेक्शनल टेस्ट है, 20+ फुल टेस्ट है। और अगर आप लोग डिमांड करोगे ना तो ये मेरे अंडर कंट्रोल में है, जितना बोलोगे उस हिसाब से मैं देने का कोशिश करूँगा। लैंग्वेज जो है सो दोनों का दोनों रखा हुआ है, और सिलेबस जो कवर किया गया है वो पूरा का पूरा आपका DFCCIL के पैटर्न पे है। जितना मार्क्स का जिस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, जितना निगेटिव मार्किंग है, सब कुछ आपका वहाँ पर आपको मिलेगा। मुझे मन है कि मैं आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊं, और अगर मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा, और यही रीज़न है कि मैं ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप सभी जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हो इसे परचेज करो। और वहां पे जब आप लोग ऐप पे आना, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे आके अगर आप लोग कमेंट करते हो कि सर मैंने ये लेक्चर देख करके आया है, मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो आपको मैं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे दूंगा। और अगर मैसेज नहीं करोगे तो जो आपका प्राइस है वो आपको लगेगा, ठीक है। और कोशिश करो इस चैनल को सपोर्ट करने का। अगर मैक्सिमम लोग आते हो, कम से कम 1000 लोग आते हो, तो आसानी से जो है सो स्मार्ट बोर्ड आ सकता है। और अगर स्मार्ट बोर्ड आ गया ना तो आप लोगों को जितना अच्छा लेक्चर मिल रहा है उससे भी ज़्यादा अच्छा लेक्चर मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो है वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेगा आपको। एक फुल टेस्ट में टोटल 7 सेक्शन है, 7 सेक्शन है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हिस्ट्री है, कस्टमर रिलेशंस है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, अर्थमेटिक एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, और इसके अलावा आपका फुल टेस्ट है। और जो भी पैटर्न है, जितना मार्क्स का जिस सेक्शन से आएगा उस पैटर्न पे बेस्ड है। 5 अटेम्प्ट्स है, बोथ लैंग्वेज है, फास्ट सर्वर है, ओके, और सॉल्यूशन भी है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ऐप पे आओगे और इस टेस्ट सीरीज को लोगे। बस लेने से पहले मुझे मैसेज करना ताकि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिले। और ये एक मेगा ऑफर और सीरियस ऑफर आप कह सकते हो, फिर से प्राइस आपका नॉर्मल हो जाएगा, तो मिस मत करना। वैलिडिटी आपका 18 मंथ्स का है। 1,43,000 वैकेंसी हमने भर्ती थी जिसमें 64,000 वैकेंसी ALP और टेक्नीशियंस की थी, लेकिन आपकी बात ठीक थी, कई सारे इसमें ALP करीब 5,000 ALP अभी भी हैं जिनको की या तो वो ट्रेनिंग में है या वो अभी आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कई स्टेट्स में भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास कि ट्रेनिंग सेंटर्स अभी चालू नहीं है पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उनकी परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने ट्रेनिंग सेंटर्स को चालू कराया है और ALPs की ट्रेनिंग कराई है, इसीलिए ये नंबर अब घट के इतना रह गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले एक महीने में ये भी सब लोग काम पे आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट दे विल बी जॉइनिंग द ट्रेनिंग। जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोगों को अभी कॉल लेटर मिले हैं या मिलने वाले हैं, बट दे आर येट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो जो माइंड में दुविधा रहती है वो खत्म हो गई है, दे विल मोस्ट लाइकली बी जॉइनिंग ट्रेनिंग विद इन अ मंथ और अ मंथ एंड अ हाफ, डिपेंडिंग ऑन ये जिस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स की हम लोगों के ऊपर खास तौर से उन्होंने ये कह रखा है कि ट्रेनिंग को अभी आप ना शुरू करें, लेकिन कोशिश यही है कि हो जाए। अब मुझे लगता है कि ये कोविड की इसमें पेंडेमिक में भी काफ़ी कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना या 2 महीने में सारे के सारे लोग जो बचे हुए लोग भी हैं
वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, और जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है जहाँ पे इस तरह का रोक नहीं है वो भी पूरा हो जाएगा। अब आपकी बात थी एनटीपीसी कैटेगरी की, एनटीपीसी कैटेगरी की नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने निकाली थी इसमें करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, और एनटीपीसी कैटेगरी में हमारे पास जो वैकेंसीज थी करीब, ये मेरे हिसाब से करीब इसमें वैकेंसीज जो थी वो 36,000 थी। इसमें करीब करीब जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था उसमें करीब करीब मैं कहता हूँ 1 करोड़ के ही करीब लोगों ने एग्ज़ाम अपियर हो चुके हैं 7 फेजेस में। लास्ट का जो फेज था ये मई और जून वाला, ये अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दी कोविड। जैसे कि आपको मालूम है एग्ज़ाम आप कॉमन लेते हैं जगह जगह पे एक ही टाइम पे एक ही दिन में, तो वो संभव नहीं है क्योंकि जैसे आपने सुना होगा अभी CBSE का एग्ज़ाम है या बाकी जगह एग्ज़ाम सब रुके हुए हैं। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा तो हम ये जो बचे हुए लोग हैं इनको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे एग्ज़ाम इनका। तो ये बेसिक एग्ज़ाम इसलिए नहीं रुका है कि बेसिकली कोई और लिमिटेशन था, अगर होता तो हमने बाकी एग्ज़ाम भी नहीं किया होता। तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का हम एग्ज़ाम ले चुके हैं ये इस बात का द्योतक है कि एग्ज़ाम इज हेल्ड सीरियसली, पीपल आर अपियरिंग, और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे ही ये पेंडेमिक का मामला ख़त्म होगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का अपना अलग अलग है, ये जो आप जो करवा रहे हैं ये इसका नोडल RRB चेन्नई है जो इसको दिया गया है ये काम, तो वो सबसे पहले बात करते हैं RRB से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि कहाँ कहाँ पे जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे क्या व्यक्ति आ पाएंगे। हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे रिक्वेस्ट कैंडिडेट के भी आते हैं RRB में कि अभी हम किसी भी पोजिशन में नहीं है आने के लिए, तो इन सबको नज़र रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल तौर पर एग्ज़ाम कराएं, क्योंकि आप भी समझेंगे कि कोई एग्ज़ाम आपने जल्दीबाजी में करा लिया और बाद में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गए तो देट विल ऑल्सो बी नॉट बी नाइस, बट आई कैन वॉन्ट टू अश्योर यू कि एग्ज़ाम होगा और रेगुलर तौर पर ये आगे चलता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर एंड थैंक यू सिद्धार्थ।